नमस्कार, मैं आपका अभिनंदन विजय बहुत खुश हूँ आज इस बात को लेकर कि जब आपके बच्चे 25वीं रैंक आईआईटी में लेके आए और आपके घर आपसे मिलने आए और पेरेंट्स के साथ मिलने आए तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मैं खुद भी वैसे आईआईटी से ग्रेजुएटेड हूँ, पर इतनी अच्छी रैंक वाला बच्चा जब घर आता है, आशीर्वाद लेता है, तो वास्तविकता में गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वास्तविकता में हम कुछ कर रहे हैं। खैर, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से मोशन का प्रमोशन करने नहीं आया हूँ, ना मैं इसको कुछ बोलने वाला हूँ कि भाई तूने मोशन की खूब बड़ाई करनी है, ये नहीं बोलने वाला हूँ मैं। वो तो हम सब जानते हैं कि बच्चा पढ़ा है तो उसका जो रिजल्ट आया है उसमें कहीं ना कहीं योगदान उसका है। बट बाय द वे, मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो मैं चाहता हूँ कि काव्य हमको ये बताए कि जो आने वाले बच्चे हैं 2023 में 24 में, जो आने वाले बच्चे हैं, तुम्हें क्या लगता है व्हाट बेस्ट इन ऑन पर्सनल नोट तुमने करा है, तुमने अपनी प्रिपरेशन पे किस तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जिसकी वजह से अपन ये रैंक अचीव कर पाए। आप जो आपके टीचर्स होते हैं वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो आप जो भी वो प्लान बताएं और आप उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम फॉलो करिए, उससे आपका मैक्सिमम बेनिफिट होगा। अपने पेरेंट्स के साथ और अपने टीचर्स के साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करिए, उससे आपको बेस्ट सॉल्यूशंस मिलेंगे। इसी को फॉलो करिए और आपको सक्सेस मिल जाएगी। ये तुमसे पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे एक तो बेस्ट पार्ट जो बोली, जो हम हमेशा क्लासरूम में बोलते हैं, कई बार बच्चे मानते भी नहीं है कि अपने टीचर्स की बात सुननी है। हम भी क्लासों में लगातार यही बोलते हैं कि टीचर जो बोल रहे हैं, आपके सलाहकार, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आपके सलाहकार आपके दोस्त नहीं, आपके टीचर्स होने चाहिए। सेम बात उसने भी बोली। एक चीज़ जो मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे कई बार जो सिलेक्शन होने में और टॉप रैंक आने का जो डिफरेंस होता है वो बहुत माइन्यूट होता है, ऐसा मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है। तुम्हें क्या लगता है ऐसा, वो माइन्यूट डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा लाइक स्पेशल लगता है कि हाँ, थोड़ा लाइक 2 डिजिट या 3 डिजिट में रैंक आ गई बस, क्योंकि अल्टीमेटली तो क्या है कि जैसे टॉप 50 में आप चाहे AIR 1 आए या AIR 50 आए, सभी को मतलब IIT बॉम्बे या IIT दिल्ली CSE मिलना है अल्टीमेटली। बिल्कुल सही बात बोली है। कई बार बच्चे, हालांकि मेरे को इसके सामने बात नहीं बोलनी थी, पर हम कई बार मोशन पे भी ये बात बोलते हैं कि हाँ, ये शायद टॉप रैंक की लड़ाई हो सकता है, कोचिंग होगी, खुद की भी हो, पर ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप सिलेक्ट हों। अगर आप देखेंगे तो IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, मैं बहुत खुश हूँ कि 25वीं रैंक वाले ने बात बोली है। कई बार बच्चे में इतना रैंक आने के बाद कई बार ऐसा उसमें प्राउड सा भी आता है कि टॉप रैंक की सब कुछ, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी बात बोली, मैं आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट बात कि आप IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, इन टॉप 3-4-5 जो IIT, इनमें कंप्यूटर साइंस में अगर आप देखें 150-200 रैंक तक आपको मिल सकता है। उसने जैसे बात बोली कि ये इंपॉर्टेंट है कि अपन उस जर्नी तक पहुंच सकें, वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वैसे तो मुझे पता है तुम्हारे नंबर किस किस सब्जेक्ट में क्या आए, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे नंबर जो है वो सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में आए? केमिस्ट्री में आए थे। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि केमिस्ट्री रोज से पढ़नी है, सबसे ज़्यादा किस में आए? इनऑर्गेनिक में। सबसे ज़्यादा फिजिकल में आए थे, क्योंकि फिजिकल ईजी आई थी इस बार। फिजिकल ईजी है। तो मैं ये बोलूँगा थोड़ा सा कि इनऑर्गेनिक पढ़ने के लिए कोई टिप्स दोगे तुम कि NCERT पे ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? NCERT के आप कुछ टॉपिक्स पे ध्यान दे दीजिए, अदरवाइज़ जो टीचर्स के नोट्स होते हैं वो मोर देन इनफ होते हैं। टीचर के नोट्स पे अपन फोकस कर सकते हैं। तो NCERT का जो अपना इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक था, वो तुम सुबह उठ के पढ़ते थे, शाम को पढ़ते थे, क्या करते थे? कभी कभी सुबह उठ, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप सुबह उठ के पढ़ें तो हो, बेटर ज़रूर है, लेकिन आप अपने स्केड्यूल के हिसाब से देखें, क्योंकि अल्टीमेटली टाइम का यूटिलाइजेशन आपको करना है। टाइम का यूटिलाइजेशन, कितने घंटे रोज पढ़ता था? 8 से 10 घंटे करीब। क्लास मिला के, क्लास हटा के? क्लास को हटा करके। हाँ, क्लास को हटा करके 8 से 10 घंटे, यानी क्लास हो गई 4-4.5 घंटे की, तो 14 से 15 घंटे अपने को रोज पढ़ाई करनी, जो हम क्लासों में बोलते हैं, बिल्कुल वही यहाँ पे निकल के आ रहा है। वैसे हम ये सारी बातें जानते हैं, पर आपके सामने वीडियो में इसे बुलवा रहे हैं ताकि आपको ये बात बिल्कुल सही से लगे। अच्छा, आगे के क्या प्लान्स हैं फ्यूचर? ये तो हो गई अभी की बात। ये जब IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस लेने वाले हो? हाँ, यस सर। ये हो जाएगा तो आई थिंक अगर इंटरेस्ट रहा, मतलब मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, तो मास्टर्स जो पोस्ट ग्रेजुएट वाला होता है, और मेरा मन है कि थोड़ा सा लाइक इंडिया के कंट्रीब्यूशन के लिए खुद का फोरम खोलने की कोशिश करूं, वो डिपेंड करता है कि अगर वो लीडरशिप की क्वालिटी रही तो। बिल्कुल रहेगी, क्या बात है, इतनी बढ़िया रैंक लाइफ, लीडरशिप की क्वालिटीज भी रही तो फोरम किस, मतलब उस फोरम क्या करेगा, व्हाट विल बी योर एम, मतलब व्हाट यू रियली वांट टू ऐड टू द सोसाइटी? ताकि मतलब कुछ भी हम करेंगे बस वो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। इंडिया के डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, क्या बात है। तो ये जो रैंक के साथ ये सोचे, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं,
और मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि टॉप रैंक लाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, स्ट्रेटजी भी बनानी पड़ेगी और इम्पॉर्टेंट बात गुरुओं की बात भी अपने को माननी पड़ेगी। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस मंच के माध्यम से उनके फादर भी हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, मैं चाहता हूँ उनको भी एक बार दिखा दी जाए वीडियो में। तो आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और मैं ये बोलूँगा कि पिताजी के संस्कारों की वजह से ही बच्चे जो है इस मुकाम तक पहुँचते हैं। तो सर आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद और ये ऐसे ही प्रगति करता रहे, हम ईश्वर से ऐसी कामना करते हैं। और कोटा भी जब जब आए आते रहना है, बच्चों को आके मोटिवेट करते रहना। चलिए, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।